बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है ना सेरेबेलम की कनेक्शंस पढ़ेंगे, मतलब इसको इनपुट क्या है और इसका आउटपुट क्या है। जो फाइबर्स इसके इसको अंदर आती है उसको इनपुट बोलते हो, ए फ्रेंड फाइबर्स कहलाते हैं, और जो बाहर जाती है वो आउटपुट होती है उसको ई फ्रेंड फाइबर्स कहलाते हैं। ऐसे है तो सबसे पहले ए फ्रेंड पढ़ेंगे। तो ए फ्रेंड में तीन का कनेक्शन किसके साथ है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स के साथ, जिसको बोलते हैं कॉर्टिकोपोन्टाइन सेरेब्रल पाथवे। दूसरा है सेरेब्रो ओलाइरो सेरेब्रल पाथवे। तीसरा है सेरेब्रो रेटिकुलर सेरेब्रल पाथवे। अब तीन का कनेक्शन किस चीज को होता है? स्पाइनल कार्ड। उसमें है एंटीरियर स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक्ट, पोस्टीरियर स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक्ट और क्यूनो स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक्ट। और एक का डायरेक्टली ब्रेन स्टेम के साथ कनेक्शन है, जिसको बोलते हैं वेस्टिबुलो सेरेब्रल ट्रैक्ट। तो अब इसको एक एक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या जाता है? कॉर्टिकोपोन्टाइन सेरेब्रल ट्रैक्ट। तो इसमें इस डायग्राम में एक्सप्लेन करते हैं, इसमें ये कहते हैं ना कि जो हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, चाहे वो फ्रंटल हो, पेराइटल हो, टेम्पोरल हो या ऑक्सीपिटल हो, सबसे ही फाइबर्स एराइज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोरोना रेडिएटा, और फिर ये इंटरनल कैप्सूल से पास होकर आ जाते हैं पोन्स में। तो पोन्स की इस रीजन में क्या थी? न्यूक्लियाई थी, जो यहाँ पर भी पड़े रहते थे। ये जो बेस ऑफ द पोन्स में थी उस पर एंड हो जाती है, तो इसको बोलते हैं कॉर्टिकोपोन्टाइन फाइबर। फिर क्या हो जाता है कि हमें पता था कि जो पोन्स से ट्रांसवर्स फाइबर्स जाती है थ्रू द मिडल सेरेब्रल पेडंकल के जरिए, कहाँ पर? सेरेबिलम में। तो उसके जरिए ये क्या होते हैं? क्रॉस कर देते हैं अपोजिट साइड को और जाती है थ्रू द मिडल सेरेब्रल पेडंकल के जरिए सेरेबिलम में। तो इसको फिर बोलते हैं कॉर्टिकोपोन्टाइन सेरेब्रल पाथवे। अगर लेटरल साइड में हम देखें तो ऑक्सीपिटल से, पेराइटल से, टेम्पोरल से और फ्रंटल से इस तरह आके पहले किस चीज पर? पोन्टाइन फाइबर्स पर एंड हो जाते हैं और फिर इससे थ्रू द मिडल सेरेब्रल पेडंकल के जरिए जाते हैं सेरेबिलम में। तो ये हो गया कॉर्टिकोपोन्टो सेरेब्रलर पाथवे। अब दूसरा जो आते हैं वो एक सेरेब्रो ओलाइरी सेरेब्रल पाथवे। इसका ओरिजिन भी सेम है, ये सारे के सारे लोब से एराइज हो जाते हैं एज अ कोरोना रेडिएटर, इंटरनल कैप्सूल से पास हो जाते हैं और आ जाता है ब्रेन स्टीम में मेडुला ओब्लांगेटा। वहां पर एक न्यूक्लियस था जिसको बोलते हैं इन्फीरियर ओलाइरी न्यूक्लियस, उस पर एंड हो जाती थी। फिर उससे जो दूसरी सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के फाइबर्स थे या लोअर मोटर न्यूरॉन के फाइबर्स थे, वो एराइज होकर कहा जाते हैं कंट्रोलेटरली जाते थे ट्रांसवर्सली और थ्रू द इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल के जरिए जाती थी सेरेब्रम में। लेटरली से हम देखें तो ये इस तरह सारे ग्लोब से एराइज हो जाती है इस तरह इन्फीरियर ओलाइरी न्यूक्लियस में और फिर जाएंगे कहां पर? ये सेरेबिलम में। तो हमें पता था कि जो क्लाइंबिंग फाइबर्स थे वो हम कहते थे कि ये एराइज होते थे इन्फीरियर ओलाइरी न्यूक्लियस। तो ये वही फाइबर्स है जो कि इन्फीरियर ओलाइरी न्यूक्लियस से एराइज होकर जाते हैं कहां पर? अंदर सेरेब्रल कॉर्टिक्स, सेरेबिलर कॉर्टिक्स में। तो ये कौन से है? ये क्लाइंबिंग फाइबर्स है। फिर इसके बाद तीसरा आ जाते हैं सेरेब्रो रेटिकुलर पाथवे। तो रेटिकुलम हमें पता है कि स्कैटर न्यूक्लियाई होते हैं ऑल ओवर द ब्रेन स्टेम होते हैं, इसके फाइबर्स भी ऊपर कॉर्टेक्स में ही एराइज हो जाते हैं। अब इन फाइबर्स में उसी तरह क्या होता है? जो कॉर्टेक्स में सेल्स होते हैं उसमें ये फाइबर्स एराइज हो जाते हैं और नीचे आ जाती है। फिर ये राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड्स पर जाती है, नीचे पोन्स में ब्रांच देती है रेटिकुलर फॉर्मेशन को और मेडुला ओब्लांगेटा को दोनों साइड्स में। फिर वहां पर ये जब एंड होते हैं वहां से जो फाइबर्स एराइज होते हैं दोनों रीजन में वो क्या? थ्रू द इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल के जरिए ऑन द सेम साइड, मतलब इप्सिलेटरली जाते हैं टू सेरेबिलम में। तो इसको बोलते हैं जो यहाँ से कॉर्टेक्स है रेटिकुलर फॉर्मेशन था उसको बोलते हैं कॉर्टिको रेटिकुलर पाथवे, और इन सारे को अप टू सेरेबिलम बोलते हैं सेरेब्रो रेटिकुलर सेरेबिलर पाथवे या कॉर्टिको रेटिकुलो सेरेब्रल पाथवे से है। तो अब इन तीनों को जो पाथवे हमने डिस्कस किए ये क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है हमारे कॉर्टेक्स को सारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन जाती है ये हमें पता है। तो सेरेबिलम जो कहते हैं ये इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट में हेल्प करता है, तो हमें पता हो कि हमारी करंट पोजीशन क्या है ताकि उस करंट पोजीशन से हम अगला जो रिक्वायर्ड जो हमारे डिजायर मूवमेंट है हम उसको स्टार्ट कर सके। तो ये पाथवे था। फिर इसके बाद आ जाते हैं कि रेटिकुलर फाइबर्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, मतलब स्पाइनल कॉर्ड से जो फाइबर्स ऊपर की तरफ जाती है उनको डिस्कस किए, तो वो इस डायग्राम पर डिस्कस करते हैं। तो उनमें तीन फाइबर्स दी चुकी उस पर एक डिटेल में वेड्यूज भी है, एसेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रेस, जो खासकर जो थे एसेंडिंग ट्रेस में इसके वेड्यूज पड़े हुए हैं, लेकिन यहां पर मैं जो बुक में जितना है वही एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन कहाँ से? जो हमारी जॉइंट है मसल टेंशन से वही से ले आते हैं सेंसरी न्यूरॉन से है, और वो पोस्टीरियर रूट गैंगलियन में आ जाते हैं और उससे फिर अंदर आ जाते हैं पोस्टीरियर ग्रेहान में। लेकिन पोस्टीरियर ग्रेहान में ये कहाँ पर एंड हो जाती है? ये हो जाती है न्यूक्लियस डार्सिलस में एंड हो जाती है। फिर न्यूक्लियस डार्सिलस से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन की एक जान एराइज हो जाता है और वो कंट्रोलेटरली जाता है टू द अपोजिट लेटरल व्हाइट कॉलम। लेकिन लेटरल व्हाइट कॉलम में कौन सी रीजन में? एंटीरियर रीजन में से है, इस वजह से इसको एंटीरियर पाथवे कहते हैं। फिर ये ऊपर थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड जाते हैं, क्रॉस कर देते हैं मेडुला ओब्लांगेटा पोन्स को और मिड ब्रेन तक जाते हैं, और वहां से थ्रू सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल के जरिए आ जाते हैं कहां पर?
सेरेब्रल हेमिस्फेयर पर। अब ये सिर्फ विद इन द सेरेब्रल हेमिस्फेयर पोस्टीरियर, इसकी पोस्टीरियर साइड पर है, ये जाता है कौन से अपोजिट साइड को, तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर तो ये क्रॉस करते हैं लेकिन फिर यहाँ पर क्रॉस कर देते हैं, लेकिन हमें क्या है इन्फॉर्मेशन इप्सिलेटरी ले जाते हैं क्योंकि इन्होंने ट्वाइस क्रॉस किया, ये बात हो गई। फिर ये क्या करते हैं, ये जो फाइबर्स जाते हैं ना फिर सेरेब्रल हेमिस्फेयर में, ये मुंह से फाइबर्स बना देते हैं सही है, और जो ओलाइवरी था वो क्लाइंबिंग फाइबर्स बना देते हैं, तो ये वहां पर कुछ कोलेटरल ब्रांचेस भी देते हैं जो हमारे डीप न्यूक्लियाई थी उसकी एक्टिवेशन और स्टिमुलेशन के लिए। अब क्या है कि ये क्यों जरूरी है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो हमारे मसल स्पिंडल था, जॉइंट्स थे, रिसेप्टर्स थे, स्किन था, फेशिया था, उससे इन्फॉर्मेशन ले जाते हैं कहाँ पर, सेरिबिलम तक, और वहाँ पर क्या करेगा ये हमारे जो मूवमेंट है मूवमेंट के लिए जो प्लानिंग बनाएगा उसको शेयर करेगा उस डिफरेंट कॉर्टिकल रीजन के मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होगा, और फिर वो इसको सेरिब्रल कॉर्टिक्स के साथ भी कनेक्ट करेगा, और उसके बाद नीचे आकर हमें जो है ना रिस्पॉन्स एफरेंट रिस्पॉन्स देगा, तो इसलिए जरूरी है। फिर एंटीरियर स्पाइनोसेरेब्रम ट्रैक के बाद आ जाता है पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक, तो पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक का पाथवे ऑलमोस्ट सेम है लेकिन थोड़ा डिफरेंस है, वो भी इस डायग्राम में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन ये जो एंटीरियर स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक है ना ये ऑल ओवर द स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं और ये अपर लिम और लोअर लिम दोनों से इन्फॉर्मेशन ले जाते हैं, लेकिन जो पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक वो इसी तरह इन्हीं रिसेप्टर से इन्फॉर्मेशन ले आती है पोस्टीरियर रूट गैंगलियन के जरिए, वहां पर उसी तरह न्यूक्लियस डार्सेलस पर एंड हो जाती है, फिर वहां से क्या सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जाते हैं लेकिन वो इप्सिलेटरल जाते हैं कंट्रोलेटरल नहीं, और द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेटरल वाइट कॉलम में जाते हैं, फिर आगे तरफ एसेंड होकर कहां तक जाते हैं मेडुला ओब्लॉन्गेटा तक, और फिर वहां से थ्रू द इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंगल के जरिए कहां जाते हैं ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, और उसी तरह ही ये कोलेटरल ब्रांच देते हैं डीप न्यूक्लियाई को, और ये भी इन्वॉल्व होते हैं मूसी फाइबर्स को, जो हम इस तरह कोलेटरल ब्रांच ये था मूसी फाइबर्स किस चीज को देते थे डीप न्यूक्लियाई को देते थे सही है, तो ये दोनों फाइबर्स हुए। इसके बाद आ जाते हैं क्यूनो सेरेब्रलर पाथवे, तो ये भी जो क्यूनो सेरेब्रलर पाथवे है ये जो न्यूक्लियस क्यूनिएटस था जो हमारा डोर्सल वाइट कॉलम था उस वो क्या था जो पोस्टीरियरली पोस्टीरियरली मेडुला ब्लांकेटा में बीच में दो न्यूक्लियस बनती थी उसको ग्रेसलेस कहते थे, लेटरली दो न्यूक्लियस बनती थी उसको बोलते थे क्यूनिएटस, इसके फाइबर उस क्यूनिएटस न्यूक्लियस जो था लेटरली जो पड़ा था उसमें एराइज हो जाते थे, और इप्सिलेटरली कहाँ तक जाते थे ये थ्रू द इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंगल के जरिए जाते थे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, इस तरह इप्सिलेटरली जाते थे। फिर ये जो न्यूक्लियस क्यूनिएटस था इसको नीचे से भी इन्फॉर्मेशन आती थी, तो वही इन्फॉर्मेशन सेम एज बोथ जॉइंट रिसेप्ट जॉइंट से मसल स्पिंडल से रिसेप्टर स्किन स्पेशियस से आती थी, ये जो न्यूक्लियस होता है ना ये भी उसी तरह मोसी फाइबर में इन्वॉल्व होते हैं कोलेटरल ब्रांच टू डीप न्यूक्लियाई देते हैं, और इसी तरह क्या करते हैं ये जो अपर लिम है एंड अपर टोरक्स है उनसे ही इन्फॉर्मेशन ले आते हैं, जबकि जो पोस्टीरियर वाला था वो लोअर लिम से इन्फॉर्मेशन नहीं ले आती, वो किस चीज से आती है वो अपर लिम से इन्फॉर्मेशन ले आती है सही है, और जो पोस्टीरियर जो था वो अपर लिम से सिर्फ ले आती है, और जो एंटीरियर था वो ऑल ओवर द बॉडी जाता था अपर लिम लोअर लिम दोनों से ले आती थी, तो ये हो गया। फिर इसके बाद आ जाता है ना कि एक जो फाइबर्स होते हैं वो डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेन स्टीम, लेकिन ब्रेन स्टीम में कौन से एरिया से वेस्टिबुलर न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स से, तो जो हमारे जो पोन्टोमेडुलर जंक्शन होते हैं उस पर एक न्यूक्लियस होते हैं जिसको बोलते हैं वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। सबसे पहले बात यह कि हमारा जो इनर ईयर होते हैं उसमें एक पार्ट होते हैं जिसको बोलते हैं वेस्टिबुलर पार्ट, उसके साथ तीन सेमी सर्कुलर केनाल्स होती है, और उसके अंदर क्या होते हैं दो तरह की सेंसरी एपिथेलियम होते हैं, एक को बोलते हैं सिक्यूल और दूसरे को बोलते हैं यूट्रिकल सी है, तो ये क्या करते हैं हमारे जो ग्रेविटी है या जब हम हेड वगैरह मूव कर देते हैं तो इन सेमी सर्कुलर केनाल में फ्लूइड होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं, तो उन डायरेक्शन से क्या करते हैं इन्फॉर्मेशन आ जाते हैं कहाँ पर इस वेस्टिबुलर न्यूक्लियस पर, फिर इस वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से क्या है फाइबर्स एराइज होते हैं वो जाते हैं सेरेबिलम में, और ये फाइबर्स का थ्रू द मेडुला ओब्लॉन्गेटा को नीचे आते हैं थ्रू द इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल एंड द सेम साइड जाती है सेरेबिलम में, लेकिन ये क्या करते हैं ये जो लोअर रीजन ऑफ सेरेबिलम था जिसको जो लोब था लोअर लोब था फ्लोकुलो नोडुलर लोब उसके अंदर ही जाती है, और ये भी क्या बन जाती है फिर अंदर मूसी फाइबर बन जाते हैं और उसी तरह कोलेटरल ब्रांच देते थे। इसके अलावा अदर एफेरेंट फाइबर्स में ये बात लिखी गई है कि इसके अलावा हमारा जो एक टर्म था ब्रेन स्टिम में मिड ब्रेन का उससे फाइबर्स आते हैं सेरेबिलम में, और जो उस सुपीरियर कोलिकुलस के लेवल पर क्या था रेड न्यूक्लियस था उससे भी फाइबर्स सेरेबिलम में आते हैं इसी है, तो ये बात डिस्कस की। इसके बाद क्या आ जाता है सेरेबिलर एफरेंट फाइबर, तो ये अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।